असलम गाइज़ लाइफ विद मुस्लिम आम वेलकम आप सबको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें मेरी वीडियोज़ को दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू ईद स्पेशल मेरी Six वीडियो में है।, में है अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना देख है, है। Let's get started. तो आप लोगों को मैं ये प्रोडक्ट सबसे पहले दिखा दूँ ये हमारे पास ब्यूटी की क्रीम फ्राम और फ्लैम ब्रांड उसके बाद है हमारे पास मिल्क एंड हनी गोल्ड शुगर स्क्रब दिस इज़ आल्सो फ्रॉम ऑरीफ्लैम ब्रांड उसके बाद है थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ डिस्कवर मियामी स्प्रेड शावर जेल दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑरीफ्लैम ब्रांड थ्री स्टेप्स में हमारा ये पूरा मैनिक्योर डन हो जाएगा और किसी चीज़ की आपको इजाफी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनशाला तो हम सबसे पहले अपना फ़र्स्ट स्टेप लेते हैं जिसमें हम शावर जेल लेके उससे क्लेंजिंग करेंगे हाथों की आप सेम ये प्रोसेस पेडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको नीड हो तो आप जो टूथब्रश होते हैं हमारे पास जिनके बिल्कुल सॉफ्ट ब्रसज़ हों आप उसे यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट हैंड से क्लेंस करने के लिए या डर्ट रिमूव करने के लिए क्लेंज़िंग आपको अप्रोक्सीमेट टू मिनट्स तक करनी है अच्छी तरह से ये जो आपके डार्क पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी करनी है नेल्स के राउंड एरिया जो होते हैं जो क्यूटिकल्स होते हैं उस पर भी आपको अच्छी तरीके से करनी है उसके बाद आप लोगों ने पानी से वॉश करके और उसको वाइप कर लेना है अच्छी तरह से फर्स्ट स्टेप से आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको दिख रहा है नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड स्टेप विच इज़ स्क्रबिंग स्क्रबिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और फ्लेम का मिल्क एंड हनी शुगर गोल्ड स्क्रब इसका सिर्फ आपको एक डॉट पार्ट चाहिए होता है और ये बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है और बहुत अच्छे तरीके से इसका आपको रिजल्ट आएगा इसको अप्रॉक्सीमेट आपको थ्री मिनट्स तक स्क्रबिंग करनी है अपने हैंड्स पे या फीट्स पे। इफ़ यू आर डूइंग पेडी तो अपने फीट्स पे आपको स्क्रबिंग करनी है और अगर आप मेनिक्योर कर रहे हैं तो आपको हैंड्स पे अपनी स्क्रबिंग करनी है तीन मिनट तक लाइट हैंड्स हैं स्क्रबिंग करते वक्त अच्छी तरह से ये डार्क पार्ट्स जो होते हैं आपके उनका ख्याल रखिएगा कि उनको अच्छी तरह से आप स्क्रबिंग करें एंड अगेन इसके साथ भी स्क्रबिंग के लिए भी आप अपने कोई भी जो लेफ़्ट ओवर टूथ टूथब्रशेज़ होते हैं जिनके सॉफ्ट ब्रसज़स हों आप वो यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए टू या थ्री मिनट्स तक आपने इसको करना है वैसे बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप थ्री मिनट्स तक कर लें लेकिन टू मिनट्स भी इनफ़ हैं इसके लिए अगर ये ड्राई होने लगे तो आपने पानी का सिंपल स्प्रे करना है या अपने हाथों को वेट करके अगेन इसके ऊपर करना है तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर दोबारा से फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा जो लेडीज़ वर्किंग वूमन्स होती हैं जिनके पास ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता और जो बाहर अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं जो बाहर जाने का जिनके पास टाइम नहीं है तो वो ये घर पे विद इन सिक्स मिनट्स में अपना पूरा का पूरा मैनीक्योर कर सकती हैं और इसके लिए आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती कि आपको कोई स्टीम वगैरह या किसी भी चीज़ के नहीं ना डिप करने होते हैं हाथ ये ईजी वे है कि आप छः मिनट के अंदर अपना मैनीक्योर घर पर ही कर सकते हैं थर्ड स्टेप की तरफ अब हम लोग चलेंगे जो कि है हमारा मॉइस्चराइज़ करना हाथों को मॉइस्चराइजिंग का स्टेप है इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिल्क ब्यूटी फ्रॉम और इसके भी बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है और आप लोग देखेंगे कि ये कितनी आसानी से और कितना अच्छा सा इतनी कम क्वांटिटी के अंदर मॉइस्चराइज़ करेगा आपके हैंड्स को सो दिस इज़ डन यू कैन सी द रिज़ल्ट टेक केयर हला हाफिज़